मैं शेफ कृष्णा और आप देख रहे हैं मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ट्रेडिशनल बंगाली फूड। आज हम लाए हैं, क्या लाए हैं, बने रहिए वीडियो पे, आपको बताएंगे हम टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज ये स्पेशल रेसिपी। राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यम्मी डिलीशियस राधा बल्लवी। एक ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी है और भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी को ये बहुत पसंद है, इसलिए इसका नाम हुआ राधा बल्लवी। ये बनाए जाते हैं उड़द दाल से, बिउली दाल से। स्पेशली बंगाल में ये बनाए जाते हैं दुर्गा पूजा के अवसर पर और बहुत सारे ऐसे फेस्टिव मौकों पर बनाए जाते हैं ये स्पेशल डिलीशियस राधा बल्लवी। बहुत डिफरेंट है इसका टेस्ट और बहुत ही स्पेशल है इसका टेस्ट। स्पेशली दुर्गा पूजा में जरूर बनाया जाता है बंगाल के घर घर में, और वहां के स्ट्रीट फूड के रूप में भी आपको राधा बल्लवी खाने को मिल जाएगा। राधा बल्लवी को चने की दाल यानी छोला दाल और आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं यही टेस्टी राधा बल्लभी अपने स्टाइल में, और बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। और बने रहिए, नोट कर लीजिए इंग्रेडिएंट। बनाते हैं ये स्पेशल डिलीशियस राधा बल्लभी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन हमेशा लाता है आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है। फ्रेंड्स, हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज, इंडियन रेसिपीज, ट्रेडिशनल रेसिपीज और बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज। तो इनोवेटिव और स्पेशल रेसिपीज बनाने के लिए बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। मैजिक किचन को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यूं ही बने रहिएगा और यूं ही प्यार बरसाते रहिएगा। हम आपके लिए लाते रहेंगे अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। तो फ्रेंड्स चलें, देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कौन सी है और आज की रेसिपी के टिप्स और ट्रिक्स कौन से हैं। तो चले बनाते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। बना लेते हैं राधा बल्लवी। राधा बल्लवी के लिए हमने यहाँ उड़द की दाल को भिगो कर रखा है, 4 से 5 घंटे अच्छे से वॉश करके भिगो दिया है। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। हमने 250 ग्राम उड़द की दाल भिगोया था। तो अब इसको पानी को निकालने के बाद इसको ले लेते हैं जार में और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका बना लेंगे फाइन पेस्ट। तो थोड़ा सा पानी जरूर ऐड करें और इस तरह का देखिए पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह का पेस्ट हमें चाहिए। तो पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना जरूरी है। उड़द दाल से भी बनाया जाता है, बिउली के दाल से भी बनाया जाता है राधा बल्लभी, और स्पेशल स्पाइस है सौंफ। तो ये सौंफ को हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको मिक्सी में चला लें। अब हम यहाँ ले रहे हैं अदरक। तो अदरक यहाँ पे हम 1.5 इंच टुकड़ा अदरक ले रहे हैं। अदरक की मात्रा थोड़ी ज्यादा लगेगी। और साथ में ये मोटी वाली मिर्च और तीखी वाली मिर्च, दोनों मिर्च हम कॉम्बिनेशन करके ले रहे हैं। तो आपको यदि तीखा पसंद है तो थोड़ा सा ज्यादा ऐड करें तीखी वाली, और यदि तीखा कम पसंद है तो तीखी वाली कम ऐड करें। हम यहाँ पे 1 बड़ी मोटी वाली मिर्च ले रहे हैं और तीखी वाली हम 3 से 4 ले रहे हैं। अब इनको अच्छे से कूट लेते हैं। तो इसको इमामदस्ते में भी कूट सकते हैं और इसे आप मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन इमामदस्ते में कूटा हुआ जो टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मेरी तो आपको यही सलाह होगी कि या तो सिलबट्टे पे पीस लें या फिर इमामदस्ते में कूट लें। देखिए इस तरह का टेक्सचर हो जाना चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है हमें, थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए। तो ये तैयार हो गया है, ये देखिए अच्छे से तैयार हो गया। चलिए आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपीज में ये ट्रेडिशनल मसाले डेफिनेटली यूज किए जाते हैं, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और सौंफ का पाउडर, ये ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी में जरूर होता है। तो चलिए बना लेते हैं डो। यहाँ पे हमने लिया है 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, और इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। वैसे तो सिर्फ मैदे से बनाई जाती है, लेकिन हम सूजी ऐड कर रहे हैं, इससे ये हेल्दी होगा। साथ में ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो हमने यहाँ पे 1.5 टीस्पून ऐड किया है सॉल्ट, और ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून सौंफ का पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे हम जो पिसा हुआ दाल है, उड़द की दाल, उसका थोड़ा पोर्शन हम ऐड करेंगे। तो आटे के साथ ये पोर्शन लगा होता है, दाल भी तो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे 5 टेबलस्पून हम ले रहे हैं उड़द दाल का पेस्ट, तो जितना आटा है उसके अकॉर्डिंग, और ऐड कर देंगे जिंजर और हरी मिर्च का पेस्ट। तो जिंजर और हरी मिर्च का पेस्ट हम 1 टेबलस्पून ऐड किया, और ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून शुगर। साथ में ऐड करेंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल, तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज कर सकते हैं। अब अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे, खूब अच्छे से मॉइन लग जाना चाहिए, अच्छे से मिक्स करना जरूरी है, इससे जो पूड़ियां हैं वो खस्ता बनेगी। जो कचौरी है राधा बल्लभी बहुत खस्ता बनेगी। राधा बल्लभी के पीछे बहुत सारी स्टोरीज है। पश्चिमी बंगाल में भगवान श्री कृष्ण और राधे जी को बहुत प्रिय है ये राधा बल्लभी, उनके भोग में जरूर चढ़ाया जाता है। ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हींग। हींग उड़द की दाल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। चलिए ऐड कर देते हैं क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। यहाँ पे 2 टीस्पून हम ऐड कर रहे हैं क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। जीरा की जगह आप काला जीरा यानी ऑनियन सीड्स भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी 2 टीस्पून ही लीजिएगा। हम यहाँ पे भगवान श्री राधे और श्री कृष्ण के लिए बनाते हैं, तो ऑनियन सीड्स भगवान को नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए हम जीरा ऐड कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनली बंगाल में जो स्ट्रीट फूड मिलेगा वहां पे काला जीरा ऐड किया जाता है। तो अब ऐड कर देंगे पानी, हल्का सा गुनगुना पानी ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, और एक टाइट सा डो बना लें। बहुत टाइट नहीं, सेमी टाइट बनाएं, क्योंकि सूजी है तो सूजी जो है वो फूलता है। देखिए इस तरह का हमें डो बनाना है। तो देखिए डो हमारा रख चुका है, इसको आप ढक के रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट का रेस्ट लेने देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे इससे राधा बल्लभी। देखिए 30 मिनट हो चुके हैं और डो आप देख सकते हैं ढल गया है, क्योंकि सूजी जो है वो टाइम लेकर एब्जॉर्ब करके, पानी को एब्जॉर्ब करके फूलती है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं स्टफिंग। डो हमारा रेडी है, स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून लिया है ऑयल, और अब हम बना रहे हैं मसाला यानी स्टफिंग, उड़द दाल की स्टफिंग। तो 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हींग। हींग से उड़द दाल को एक अच्छा फ्लेवर भी मिलता है और उड़द दाल को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। ऐड कर देंगे जीरा 1 टेबलस्पून। जीरे की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा लेनी है आपको, आप जीरे की जगह काला जीरा भी ले सकते हैं यानी ऑनियन सीड्स भी ले सकते हैं। ऐड कर देंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, तो जितना हमने बनाया था उतना पूरा हमें यहाँ ले लेना है, यानी तकरीबन आप कहेंगे 3 टेबलस्पून यहाँ पे जिंजर और हरी मिर्च का पेस्ट है। अब इसकी करनी है भुनाई। फ्लेम को रखें लो, और लो हीट पे ही इसे हमें भुनना है अच्छे से, बहुत प्यार से इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि अदरक चिपकता है, इसलिए थोड़ा सा इसको धीमी आंच पे ही पकाना है। यदि आप हाई टेम्परेचर पे पकाएंगे तो अदरक जो है वो हार्ड हो जाता है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर, तो हाफ टेबल स्पून ही ऐड करें। अब चलिए इसको प्यार से करते हैं भुनाइए। और ये जो मसाला है इसको बड़े प्यार से भुनना है, जितने प्यार से भुनेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा होगा। तो प्यार से धीमी आंच पे भुने। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, तकरीबन 1/4 कप हमने पानी ऐड किया है, जिससे ये मसाला सॉफ्ट बना रहे। तो मसाला हार्ड नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करना जरूरी है। अब इस मसाले को हमें भुनना है और मसाले को धीमी आंच पे ही भुनना है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि फ्लेम को हाई नहीं करें। अब इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। इस बात का ध्यान रखिए कि जो हमने डो लगाया है उसमें भी सॉल्ट है, तो स्टफिंग में उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्ट ऐड करें। ऐड कर देंगे 1 टीस्पून शुगर, जो हल्का सा तीखापन और मिठास दोनों ही ऐड करता है। तो नमक हमने स्वादानुसार ऐड किया, साथ में 1 टीस्पून हमने शुगर ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी करेंगे भुनाई। बंगाली जो कुजीन्स है, ट्रेडिशनल कुजीन्स, उसमें शुगर जरूर ऐड किया जाता है ताकि हल्का सा मिठास रहता है सारी रेसिपीज में। तो इस मसाले को अच्छे से भुनना है हमें, फ्लेम को लो ही रखना है। और अब इसमें ऐड कर देंगे उड़द दाल का पेस्ट। तो ध्यान रखें 250 ग्राम हमने उड़द दाल लिया था, जिसमें से 5 टेबलस्पून हमने डो में ऐड किया, बाकी का पूरा हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। यानी जितना भी पेस्ट बना है उन सब का हमें स्टफिंग बनाना है। तो पूरा पेस्ट हम अच्छे से इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा यानी 1/4 कप पानी हमने उसमें ऐड किया और उसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। तो जितना दाल उसमें लगा हुआ था वो पूरा इसमें ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अभी स्टफिंग जो है वो लिक्विड ही है। अब क्या करना है, हमें फ्लेम को मीडियम करना है और मीडियम हीट पे इसको पकाना है। ध्यान रखें कि उड़द दाल जो है बहुत स्टिकी होता है, इसलिए ध्यान रखें कि आपको लगातार चलाना है फ्लेम को मीडियम रखते हुए। बीच बीच में यदि आपको लगता है कि वो ज्यादा चिपक रहा है तो आप फ्लेम को लो कर सकते हैं और लो करके फिर उसको वापस बराबर कर सकते हैं। यानी चिपकना नहीं चाहिए, नीचे स्टिक नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। तो लगातार चलाते हुए इसको पकाना है, फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए इसको पकाना है। कभी मीडियम कर लीजिए, फिर आपको लगता है कि ज्यादा आंच हो गई है, यदि ज्यादा चिपक रहा है तो आप फ्लेम को लो करके उसको वापस ठीक कर लीजिए। तो ऐसे में ये चिपकेगा नहीं और बर्निंग नहीं होगी, और बर्निंग नहीं होगी तो उसका टेस्ट भी नहीं बिगड़ेगा। तो उड़द दाल की जो पिठी है उसको तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, लगातार आपको चलाना होता है। फ्लेम को आप मीडियम टू लो करते हुए उसको लगातार आप देखिए ड्राई होता जा रहा है, जिसमें पानी की जो भी मात्रा है वो धीरे धीरे सूखती चली जाएगी और ये अच्छे से पक जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। ये भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, साथ में टेस्ट और फ्लेवर भी बढ़ाता है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल कुजीन्स है उनमें उन सारे इंग्रेडिएंट को यूज किया जाता है जो कि उसको पकाने में और उसके फ्लेवर लाने में और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे पुराने जो दादी नानी के समय से चले आ रहे हैं रेसिपीज, उन रेसिपीज में साइंस जरूर होता है। तो देखिए धीरे धीरे पकाते जाएंगे इसको, धीरे धीरे इस पीठी को रेडी करेंगे। ये जब तक हम पकाएंगे ना ये पीठी बिल्कुल पक जाएगी अच्छे से। तो इस चीज के लिए इसमें थोड़ा सा पानी जो ऐड किया है वो इसी के लिए कि ये जैसे जैसे ड्राई होगा तब तक ये उड़द दाल जो है वो पक जाएगा। तो कच्चा नहीं रहना चाहिए, उड़द दाल पक जाना चाहिए। बाकी जो थोड़ा बहुत रहता है वो जब आप राधा बल्लभी फ्राई करेंगे तब पक जाएगा। तो देखिए इसको पीठी को अब देखिए कि अब ये काफी गाढ़ा हो चुका है और फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए यानी कभी मीडियम कभी लो करते हुए हम इसको पका रहे हैं। और आप देखेंगे नीचे लग जाता है, नीचे लगने की कोशिश करता है। तो हम इसको लगातार नहीं चलाएंगे तो ये नीचे चिपक जाएगा, इसलिए लगातार चलाना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे ये ड्राई होने को आता है उस वक्त ये ज्यादा चिपकने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत स्टिकी होता है उड़द दाल। तो लगातार चलाएं, और जब आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है तो फ्लेम को लो करें और लो करके वापस मिक्स करें और फिर फ्लेम को मीडियम कर दें। तो देखिए आप काफी गाढ़ा हो चुका है और इस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मीडियम टू लो हीट पे ही हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। देखिए स्टिकी है, बहुत स्टिकी है, और आप देखेंगे जैसे ही इसका मॉइस्चर पूरा उड़ जाएगा ये अपने आप ही कढ़ाई को छोड़ देगा। तो तब तक हमें इसे चलाते हुए पकाना है। हैंड स्ट्रेच जरूर होगा, हाथों में दर्द होगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। यदि आपको बनाना है राधा बल्लभी तो ये वाली मेहनत तो आपको करनी होगी। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा स्टिक हो रहा है तो आप हल्का सा 1-2 बूंद ऑयल आप डाल सकते हैं। देखिए हमने तो ऑयल ऐड नहीं किया और ये देखिए बिल्कुल निकल आया, क्लीन निकल के आया। तो तैयार हो गया हमारा पीठी। अब इसको हमें डिश आउट करना है और इसको ठंडा करना है। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं, दूसरे बाउल पे निकालेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। स्टफिंग भरने से पहले ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और इधर हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी पेड़ी काट लेंगे। तो डो को अच्छे से मसल लेंगे, उसके बाद इसकी छोटी छोटी इस तरह की पेड़ियां काट लेंगे। तो ये देखिए तैयार हो गए, आधे पोर्शन का हमने काट लिया है। अब ये जो स्टफिंग है ठंडा हो गया तो उसकी भी सेम उतने ही पीस काट लेंगे। तो यहाँ 12 पीस हमने काटे हैं। और अब इस तरह से देखिए भरेंगे, देखिए इस तरह से भरेंगे जैसे हम स्टफिंग भरते हैं कचौरी में, समोसे में, तो उसी तरह से हम स्टफिंग भर लेंगे। और इस तरह से देखिए सारे तैयार हो गए। तो ये रेडी हो गए, हमारे 12 पीस हैं। अब इसको क्या करेंगे, बेलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि ऑयल बिल्कुल नहीं लगाइएगा, ऑयल लगाएंगे तो आपकी जो राधा बल्लभी है तेल में जाते ही फट जाएगा। तो ऑयल नहीं लगाएं, सूखा सूखा ही आपको बेलना है। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें ऐड कर दें राधा बल्लभी और उसको करें इस तरह से दबा दबा के फ्राई। आप देखेंगे फूल जाएगा, बिल्कुल फूला फूला बनेगा। और हमने सूजी ऐड किया है तो बहुत ज्यादा नहीं फूलेगा, लेकिन जो नॉर्मल फूलता है उतना ये फूल जाएगा। और साथ में क्रंची भी होगा और हेल्दी भी। इसी तरह से सारे हम राधा बल्लभी बना के रेडी कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि ऑयल अच्छा प्रॉपर गर्म होना चाहिए, तभी आप उसमें राधा बल्लभी ऐड करें। नहीं तो क्या होगा, अंदर की स्टफिंग फट जाती है, तेल पी लेगा और अच्छा जो फूलता है उतना नहीं फूलेगा। तो राधा बल्लभी यदि फूली फूली बनाना है आपको तो ध्यान रखना कि ऑयल जो है वो अच्छा गर्म हो जाना चाहिए, तभी आप राधा बल्लभी ऐड करें। और गर्म ऑयल उसके ऊपर इस तरह से डालें या फिर उसको दबा के आप हल्का हल्का प्रेस करें, आप देखेंगे वो फूल जाएगा। देखिए बिल्कुल अपने आप ही फूलता है, देखिए इस तरह से फूल जाएगा। तो एक साइड फ्राई हो जाए तो टर्न करके दूसरा साइड भी फ्राई करें। आप सोच रहे होंगे कि मैदे से बनती है, हमने सूजी क्यों ऐड किया। तो फ्रेंड्स मैदा पूरी तरह से यदि आप बनाते हैं तो जब वो ठंडा होता है तो थोड़ा सा वो च्यूई हो जाता है। लेकिन यदि आप उसमें सेमोलिना यानी सूजी रवा ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि क्रंची बराबर होता है और च्यूई नहीं होता। उसको आप आराम से तोड़कर खा सकते हैं और सुबह रात का बना हुआ सुबह बहुत टेस्टी लगेगा। चाहे आप गर्मा गर्म खाएं या ठंडा खाएं, आपको ये च्यूई कभी भी नहीं लगेगा। तो जरूर सूजी ऐड करें, यानी 2 कप यदि मैदा है तो 1 कप आप सूजी जरूर ऐड करें। तो देखिए बातों बातों में हमने कितने सारे राधा बल्लभी बना लिए। तो जितना हमारा डो था उसका आधा पोर्शन हमने किया और आधे पोर्शन से 12 राधा बल्लभी बन के रेडी हो जाएंगे और बाकी आधे पोर्शन से भी 12 राधा बल्लभी तैयार हो जाएंगे। यानी टोटल 24 पीस हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल फूले फूले। और एक इंसान के लिए 2 कचौरी बहुत ही सफिशिएंट है। तो इसे पश्चिमी बंगाल में, कैलकटा में बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड के रूप में खाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को राधा बल्लभी का भोग लगाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण राधे रानी को भोग लगाया जाता है। तो राधा बल्लभी स्पेशली पश्चिम बंगाल में, कैलकाटा में बहुत फेमस है। और इसे परोसा जाता है आलू की सब्जी के साथ में या चने की दाल के साथ में। छोला दाल एंड राधा वल्लभी, दोनों का बहुत ज्यादा मेल होता है। साथ में आलू की सब्जी के साथ भी इसे खाया जाता है। यदि आप यूपी साइड में जाएंगे तो उड़द की दाल से ही बनाया जाता है बेड़ई। सेम यही प्रोसीजर होता है, सिर्फ स्पाइसेस मसालों में फर्क होता है, बाकी यही प्रोसीजर होता है। वो रेसिपी यदि चाहिए तो चैनल पे है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमारी राधा वल्लभी तैयार है, गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ में, आलू दम के साथ में राधा वल्लभी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो ये बंगाली ट्रेडिशनल राधा वल्लभी में हमने थोड़ा सा फ्यूजन किया है, थोड़ा सा और हेल्दी बना दिया इसे। और देखिए ये अंदर से देखिए फूला है और बिल्कुल आप देख सकते हैं, सच में बहुत टेस्टी है। जरूर बनाइए, हमारी तरह बनाइएगा, डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो बनाइएगा जरूर, और बनाकर आप पिक्स शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको रेसिपीज कैसी लगती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी। तो अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी के लिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ सदा जुड़े रहिएगा। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं ना, तो चुपके चुपके मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। हमारे साथ हमारी फैमिली को बड़ा कीजिएगा। तो हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए तहे दिल से शुक्रिया, यूं ही जुड़े रहने के लिए और बनाने के लिए अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बनाइए आज हमारी स्पेशल रेसिपी। हम चलते हैं फिर लाने आपके लिए नई और अमेजिंग रेसिपीज। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग रेसिपी, मैजिकल रेसिपी मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ।